अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ अब्दुर्रज़ाक और ये नाइस अकेडमी की लाइव क्लासेस हैं। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 6 है आज, और इसमें हमने आज रियोस्टैट को स्टार्ट करना है। रियोस्टैट के बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। रियोस्टैट क्या है? इट इज अ वायर वाउंड रेजिस्टेंस। ये एक वायर वाउंड रेजिस्टेंस है। जरी बात है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है। तो अगर मैं हाई रेजिस्टेंस चाहता हूं तो मुझे एक हाई रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल लगाना पड़ेगा, और यहां पे जो मटेरियल लगाना है वो है मैगनीन कॉम्पोजिट या एलॉय। और मैगनीन किस तरह से बनता है? मैगनीन में आप कॉपर को 84% मिक्स करते हो, इसके अलावा जो मैगनीज है वो 12% होती है, और जो निकल है वो कितना होता है, वो 4% मौजूद होता है। ठीक है, तो इस प्रपोर्शन से जब आप मिलाते हो तो जो कॉम्पोजिट बनता है उसे आप मैगनीन कहते हो। बाद रेफरेंस के मुताबिक ये 86% और ये 2% भी मौजूद होता है, लेकिन बहरहाल हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो भाई, एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, लॉन्ग वायर है जिसे हमने इंसुलेटर कोर के ऊपर वाइंड किया हुआ है। लेट्स से मैं कहता हूँ ये एक इंसुलेटर कोर है। ठीक है, ये एक इंसुलेटर कोर है, या तो प्लास्टिक की बनी हुई है या सिरामिक की बनी हुई है या किसी भी और इंसुलेटर मटेरियल की बनी हुई है। तो इसके ऊपर वायर को बाइंड किया हुआ है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहां पे एक वायर है, उसको इस तरीके से यहां पे इस कोर के ऊपर बाइंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है। उससे क्या बन रहा है, उससे इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बन रहे हैं, और ये सारी वायर्स के जो टर्न्स हैं एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट में नहीं है, एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पे मौजूद है। तो जाहिर बात है कि यहाँ पे जो इंसुलेटर कोर होगी इसके ऊपर यहाँ पे पैटर्न बने होंगे कि एक वायर जब इसके ऊपर लपेटी जाए तो वो नेबरिंग टर्न के साथ कॉन्टेक्ट में ना आए। इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बनेंगे, और इस तरीके से एक लार्ज लेंथ वाली वायर एक छोटे से पोर्शन के ऊपर इस इंसुलेटर कोर के ऊपर लपेटी जाएगी। अब इसके जो कॉन्टेक्ट बनेंगे उन कॉन्टेक्ट को नाम देना। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ से जो कॉन्टेक्ट निकल रहा है ये कॉन्टेक्ट ए है, और यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है ये कॉन्टेक्ट बी है। ठीक है, तो भाई इन दोनों कॉन्टेक्ट को यूज करते हुए मैं यहाँ पे इसके यूजेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यूजेस क्या होंगे। इसमें जो सबसे पहला यूज है वो है एज अ फिक्स्ड रेजिस्टर। ठीक है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस के तौर पे आपने इसे यूज करना है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस के तौर पे किस तरह से यूज होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक सर्किट बनाया जा रहा है, और वो सर्किट इस तरह से है कि यहाँ पे एक बल्ब मौजूद है, एक बल्ब का सिंबल होता है, बल्ब मौजूद है, और बल्ब के साथ आपने एक बैटरी लगाई हुई है, और आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड करनी है। तो आप इस जगह के ऊपर कॉन्टेक्ट ए लगा दें, इस जगह के ऊपर कॉन्टेक्ट बी लगा दें, ये दोनों कॉन्टेक्ट लगा दें, तो इस दौरान यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक रेजिस्टेंस सेटअप हो जाएगी। दैट मीन यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस सेटअप हो जाएगी, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। रो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, एल इस वायर की लेंथ है, ए इस वायर का एरिया है, और आर से आप इसकी टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये पहला यूज पड़ा हमने, पहला यूज किया है एज अ फिक्स्ड रेजिस्टर। अब मैं आ रहा हूं इसके दूसरे यूज की तरफ, और दूसरा यूज किया है, दूसरा यूज है इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसे आप वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर सकते हो। अब ये कैसे होगा, ये सर्किट दोबारा बना लेता हूं कि यहां पे ये दो कॉन्टेक्ट मौजूद हैं और इस जगह के ऊपर कोई बल्ब अटैच है। और दोबारा से यही सर्किट बना रहा हूं, क्योंकि दो तरीके हैं इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज करने के। भाई इस रियोस्टेट के अंदर एक तीसरा टर्मिनल भी होता है, और वो तीसरा टर्मिनल यहाँ पे टर्मिनल नंबर सी से शो कर रहा हूँ। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट है, और ये कॉन्टेक्ट सी है, और ये जो सी कॉन्टेक्ट है ये सी कॉन्टेक्ट स्लाइडेबल है। दैट मीन्स ये वाला टर्मिनल भी फिक्स है और ये वाला टर्मिनल भी फिक्स है, लेकिन ये जो कॉन्टेक्ट सी है ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस जगह तक मूव कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा करो कि कॉन्टेक्ट ए यहाँ पे लगा दो, कॉन्टेक्ट सी यहाँ पे लगा दो, बी कहीं भी ना लगाओ, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, अगर आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो इसका तरीकाकार क्या होगा, इसका तरीकाकार ये होगा कि आप यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को स्लाइड करते हुए इस जगह के ऊपर ले आओ यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहां से करंट एंटर होगा सर्किट में, ये करंट पॉइंट ए से एंटर होगा,
एंटर होने के बाद सीधा जाके सी से बाहर निकल जाएगा, और चूंकि ये हाई रेजिस्टिविटी वायर में से गुजरेगा ही नहीं तो इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे लेंथ की वैल्यू चूंकि बहुत कम होगी इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करो, स्लाइड करते हुए इस पॉइंट पे ले आओ, तो यहाँ पे देखो इस तरह के ऊपर अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ले आए हो तो फिर वायर से यहाँ से पॉइंट ए से करंट एंटर होना है और उसने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स में से मूव करने के बाद यहाँ पे इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से बाहर निकलना है। और अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करते हुए मजीद इस तरह के ऊपर ले आओ, यहाँ पे ले आओ, तो इससे क्या होगा, जितनी भी मैक्सिमम लेंथ आ सकती थी इस कॉन्टैक्ट में वो आ गई, करंट पॉइंट ए से एंटर होता है, पूरी वायर लेंथ यहाँ से घूमता है और घूमने के बाद कॉन्टैक्ट सी से बाहर निकलता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मोटा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी, आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कहां से कहां पे मूव करें, ए टू बी मूव करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे इस इन दो टर्मिनल के दरमियान में आने वाली रेजिस्टेंस वो क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे इस जगह पे कॉन्टैक्ट लगाएं बी और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लगा दें सी, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप बी पे करंट को एंटर करवाएंगे तो करंट यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और इस कॉन्टैक्ट से बाहर आ जाएगा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। लेकिन आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ से स्लाइड करके इधर ले आएंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि करंट यहाँ से एंटर होगा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स घूमेगा, उसके बाद स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से बाहर निकलेगा, तो अब लेंथ बढ़ रही होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ रही होगी। तो भाई उसके बाद आप इसको मजीद स्लाइड करते हुए अगर इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ले आते हो तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब करंट पूरी वायर लेंथ घूमेगा और पूरी वायर लेंथ घूमने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट से बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट किसके दरमियान में लिया हुआ है, अगर आपने कॉन्टैक्ट ए और सी के दरमियान में लिया हुआ है, कॉन्टैक्ट ए और सी के दरमियान में दिया हुआ है तो फिर ये वाला तरीका कार है, और अगर आपने कॉन्टैक्ट बी और सी के दरमियान में दिया हुआ है तो फिर आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए मूव द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट फ्रॉम बी टू ए। तो अब आप यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बी से ए की तरफ मूव करेंगे तो सर्किट की रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं और यहाँ पे इस तरीके से रियोस्टेट बनाया भी गया है। अब अगर मैं रियोस्टेट का सिंबल शो करूँ तो सिंबल किस तरह से आएगा कि ये कॉन्टैक्ट ए है और यहाँ पे ये इसकी पूरी रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के बाद इस जगह के ऊपर ये कॉन्टैक्ट बी है, कॉन्टैक्ट ए कॉन्टैक्ट बी और ये हमारा मूवेबल कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट सी मौजूद है और इसको चूंकि मूवेबल है तो यहाँ पे इस तरीके से एरो के जरिए से शो किया जाता है। तो ये इसका सर्किट सिंबल है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी रेंज की कि इसकी रेजिस्टेंस की रेंज कितनी होती है, तो मुख्तलिफ रेंज के रियोस्टेट अवेलेबल होते हैं, जीरो से लेके 100 ओम का भी हो सकता है, जीरो से लेके 500 ओम का भी हो सकता है, जीरो से लेके 1000 ओम, जीरो से लेके 5000 ओम, या अपनी रिक्वायरमेंट का कोई भी रेंज आप प्रोवाइड करके ये रियोस्टेट डिजाइन कर सकते हो। तो ये हमने इसकी बात कर ली और ये हमने सेकंड यूज पढ़ा जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर यूज किया था। अब हम इसका थर्ड यूज करने जा रहे हैं, वो थर्ड यूज किया है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। थर्ड यूज की बात कर रहा हूं और थर्ड यूज क्या है, थर्ड यूज है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। बच्चों यहां पे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है पेज नंबर 54 के ऊपर, क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13.7। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। तो उसका आंसर क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर इज अ सर्किट दैट गिव्स अ कॉन्टिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल। तो ये किस तरह से होता है, वो इस तरह से कि लेट्स से मैं कहता हूं कि हमारे पास ये एक रियोस्टेट मौजूद है जिसका ये कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट ए है और यहाँ पे इस तरफ कॉन्टैक्ट बी मौजूद है, तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर कॉन्टैक्ट बी बना रहा हूं। इस दौरान इस वायर की जो टोटल रेजिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि रो एल ओवर ए से रिप्रेजेंट होती है, और इस जगह के ऊपर जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट सी यहाँ पे शो कर रहा हूँ और ये इसका जो एंड है मूवेबल कॉन्टैक्ट वो यहाँ पे इस जगह के ऊपर आके अटैच होगा। तो कहीं भी बनाया जा सकता है लेकिन चले यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा मूवेबल कॉन्टैक्ट सी है जैसे कि वहां पे बनाया था। तो तीन टर्मिनल्स बनाए हैं, इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज करना है। तो भाई
अब हम इनके कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर देते हैं किसी पावर सप्लाई के साथ, ठीक है। यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक पावर सप्लाई है, करंट सोर्स है, और ये बैटरी यहाँ पे इस तरीके से करंट प्रोवाइड कर रही है। ये बैटरी का वोल्टेज वी है, दैट मीन ये वी इनपुट है, आप इसे वी इनपुट कहिए या आप वी कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये है हमारा वोल्टेज वी, और अगर मैं कहता हूं कि लेट से ये वोल्टेज वी 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है ये बैटरी एक कूलम्ब चार्ज को 12 जूल एनर्जी देके भेजती है। यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज निकलता है, कन्वेंशनल चार्ज 12 जूल पर कूलम्ब एनर्जी लेके, वो यहाँ से एनर्जी वेस्ट करना स्टार्ट करता है। 12 जूल पर कूलम्ब टोटल एनर्जी है, फिर 11 रह जाती है, फिर 9, 6, 3, 2, 1 और 0। तो भाई ये वाला टर्मिनल 0 वोल्ट के ऊपर मौजूद है और ये वाला टर्मिनल यहाँ पे किस जगह के ऊपर मौजूद है, 12 वोल्ट के ऊपर मौजूद है। तो इस हिसाब से अगर ये वाला पोटेंशियल टर्मिनल 12 वोल्ट के ऊपर मौजूद है, तो इस हिसाब से यहाँ पे भी 12 वोल्ट आता है और यहाँ पे कितना आता है, 0 वोल्ट आता है, क्योंकि जारी बात है रेजिस्टेंस के अंदर ही कोलिजन से एनर्जी पर यूनिट चार्ज वेस्ट होती है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इस हिसाब से इनके दरमियान में कितना वोल्टेज आता है, 6 वोल्ट आता है, क्योंकि जब चार्ज यहाँ से चलता है तो मिड पॉइंट तक आते हुए अपनी हाफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज वेस्ट कर चुका होता है। तो अगर ये 24 वोल्ट की होती है तो यहाँ पे 24 वोल्ट और यहाँ 12 वोल्ट होता, दैट मीन मिड तक आते हुए आधी रेजिस्टेंस में वेस्ट होना ही है। 6 और 12 के दरमियान में 9 और इसके अलावा इनके दरमियान में क्या होगा, 3 होगा। तो भाई अब अगर मैं आउटपुट इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में लूँ, दैट मीन सारी बात है कि ये कॉन्टैक्ट बी है, इधर वोल्टेज 0 वोल्ट है और यहाँ पे वोल्टेज जो भी आएगा वो देखते हैं अभी। तो इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में अगर मैं आउटपुट लूँ तो यहाँ पे मुझे जो आउटपुट मिलेगी वो कितनी होगी, कि यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 6 वोल्ट का। ये एंड पॉजिटिव बन रहा है और ये एंड बन रहा है नेगेटिव। अच्छा, अगर मैं इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को यहाँ पे स्लाइड करके इधर ले आऊँ, ठीक है, इस पॉइंट बी के बिल्कुल करीब ले आऊँ, तो इस कॉन्फिगरेशन में वहां पे क्या होगा कि यहाँ भी 0 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ भी 0 वोल्ट आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, कोई वोल्टेज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट पे ले आऊँ, तो फिर यहाँ पे 1 वोल्ट आ जाएगा, और ऊपर ले जाऊं 2 वोल्ट आएगा, और बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर आके यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे 3 वोल्ट आ जाएगा। इसके हिसाब से जब यहाँ पे आएगा तो कितना पोटेंशियल आएगा, 6 वोल्ट आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो जाएगा। फिर इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को मूव करके यहाँ पे लेके आएंगे, 9 वोल्ट होगा, और मजीद मूवमेंट के बाद यहाँ पे इस जगह के ऊपर 12 वोल्ट आएगा। तो इसका मतलब है आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करते हुए यहाँ से 0 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट, दैट मीन फिलहाल के केस के लिए 12 वोल्ट तक कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल ले सकती हो। जैसे जैसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ऊपर लेके जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे जो हम आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट है मैं जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस ले रहा हूँ वो रेजिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है, और ये रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस आर है। तो अगर मैं यहाँ से एक्सप्रेशन के जरिए से फाइंड आउट करना चाहूँ तो जो आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहे हैं करंट आई इंटू आर के इक्वल। ये स्मॉल रेजिस्टेंस आर वो है जिसके क्रॉस आउटपुट ले रहा हूँ, और ये आई क्या है, आई वो करंट है जो कि यहाँ पे सर्किट में फ्लो कर रहा है, जो कि बैटरी ने सप्लाई किया है। आउटपुट वोल्टेजेस यहाँ पे फिर होने वाले वोल्टेजेस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस जगह के ऊपर आई की जगह पे पुट कर लूँ इनपुट वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस, तो ये आउटपुट वोल्टेज का जो फॉर्मूला बनता है ये क्या बनता है, ये बनता है आउटपुट इज इक्वल टू वी ओवर आर इंटू आर, और रीअरेंजमेंट कर लें अगर इसकी तो क्या बनता है, वी आउटपुट इज इक्वल टू स्मॉल आर ओवर टोटल आर इंटू वी इनपुट। तो ये हमारी पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन है, ये हमें ये बता रही है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बैटरी 12 वोल्ट की आपने अप्लाई की है और इस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेट से 100 ओम है, और आपने जिस रेजिस्टेंस से आउटपुट लिया जिसके क्रॉस वो 50 ओम की है, तो कट के यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 1/2, और 2 को 12 से काटेंगे तो कितना बनेगा, 6 वोल्ट बनेगा। तो इस तरीके से इस इक्वेशन से आप पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन के साथ आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्मॉल रेजिस्टेंस आर के क्रॉस अपेयर होने वाले टोटल वोल्टेजेस की वैल्यू को यहाँ पे स्टडी या डिस्कस कर सकते हो। अच्छा जी, वैसा ही सर्किट बनाया है कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है वी
और इस जगह के ऊपर ये कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट बी है, ये कॉन्टैक्ट ए है, और ये वाला कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट सी है जो कि मूवेबल कॉन्टैक्ट है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे हैं तो हमने इस जगह के ऊपर आउटपुट दी थी, लेकिन अगर मैं आउटपुट यहाँ पे ना लूँ और इस जगह के ऊपर आउटपुट लूँ, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट ए और कॉन्टैक्ट सी के दरमियान में आउटपुट लूँ, फिर आपको पता है कि यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है और यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है, इधर है 6 वोल्ट, यहाँ 9 वोल्ट और यहाँ 3 वोल्ट है। तो अब ए टर्मिनल कितने वोल्टेज के ऊपर है, 12 वोल्ट के ऊपर, और जो कॉन्टैक्ट सी है ये 6 वोल्ट के ऊपर है, तो इसका मतलब है अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन रहा है, 12 - 6 6 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं मोबाइल कॉन्टैक्ट को मूव करके यहाँ पे इस जगह के ऊपर कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे ऊपर 12 बन जाता है और नीचे बन जाता है 3, 12 - 9 कितना होता है, 12 - 9 भी, 12 - 3 भी 9 ही होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी कॉन्टैक्ट को कॉमन ले सकते हो। और इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि मैं इस पॉजिटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट पे कह दूं और नेगेटिव टर्मिनल को -12 वोल्ट पे कह दूं, और ये पूरी जो डिस्कशन है वो फिर इस हिसाब से करूं कि यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे -12 वोल्ट है, तो अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का 12 वोल्ट ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -6, यहाँ पे -3 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे -9 आएगा। तो अब देखो इधर आ रहा है 0, इधर कितना आ रहा है, -9, 0 -9 अभी भी 9 वोल्ट बनता है। तो इसका मतलब है आप इस तरीके से भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप किसी एक कॉन्टैक्ट को फिक्स रखो, ये भी हो सकता है कि आप जब यहाँ पे आउटपुट लो तो आउटपुट किस पॉइंट से लो, आउटपुट इस तरह से लो कि फॉर एग्जांपल ये कॉन्टैक्ट ए है, ये कॉन्टैक्ट बी है, एक कॉन्टैक्ट इधर लगा दो जिसका नाम आप सी रख दो, और एक कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे लगा दो जिसका नाम क्या रख दो, डी रख दो। तो अब जो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेजेस आएंगे वो कितने आएंगे, इधर 9 वोल्ट है, इधर 3 वोल्ट है, डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। तो अब आपको कितने वोल्टेज मिलेंगे, अब आपको 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो इस जगह तक डिस्कशन है ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, आगे आप जितनी मर्जी इसकी एक्सप्लेनेशन करते चले जाएं। अच्छा आप जरा देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक बैटरी है और वो बैटरी 12 वोल्ट की है, ठीक है। ये बैटरी कितनी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे 12 वोल्ट, इसके साथ हमने रेजिस्टेंसेस लगाई हुई है इस तरह से, भाई ये रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3, ठीक है। इसकी वैल्यू है लेट्स से 2 ओम, इसकी है 5 ओम, और इसकी है लेट्स से चलें इसकी भी 5 ओम चलें, कुछ भी लिख सकते हैं, चले 5 ओम ही लिख लेते हैं, इसकी इसे चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 3 है, ये 4 ओम है और ये 5 ओम है, ठीक है। तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो बच्चों अब मैं कुछ ऐसा करूं कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर आउटपुट ड्रा करूं, यहाँ से आउटपुट लूं, आउटपुट का क्या मतलब है, यहाँ कोई बल्ब लगा लूं, स्पीकर लगा लूं, या इस जगह के ऊपर कोई वोल्टमीटर लगा लूं, तो वो कितनी रीडिंग देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन को यूज करके देखते हैं क्या आंसर आता है। अच्छा जी, आउटपुट वोल्टेज किस तरह से आते हैं, स्मॉल आर ओवर टोटल आर इनटू वी इनपुट। तो फिलहाल आउटपुट वोल्टेजेस को मैंने रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस आने वाले वोल्टेजेस का नाम देना है, ये V1 है, और जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं वो रेजिस्टेंस R1 है, और जो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन की है वो R इक्विवेलेंट कहलाएगी। तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे यूज करना है, ये बन जाएगा V1 इज इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू वी इनपुट। तो ये बन जाएगा V1 इज इक्वल टू 3 ओवर 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 12। तो ये सारे ऐड होते 12 बनते हैं, 12 से कट जाएगा और क्या आंसर आएगा, 3 वोल्ट। मैंने आसानी के लिए ये रेजिस्टेंस ऐसे लिए हैं कि इनका सम भी 12 ही आता हो, वरना कोई भी रेजिस्टेंस हो तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकती हैं। फिर उसके बाद अगर V2 फाइंड आउट करना हो, दैट मीन्स आप इस जगह के ऊपर वोल्टमीटर नहीं लगा रहे, बल्कि आप आउटपुट इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में यहाँ से ले रहे, इस जगह पे आने वाले जो वोल्टेजेस V हैं वो आपने फाइंड करने हैं, तो वो V2 होंगे, और वो किस तरह से आएंगे, वो आएंगे R2 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3 इनटू V इनपुट। तो ये बन जाएगा 4 ओवर 3 प्लस 4 प्लस 5 और इनटू 12 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 4 वोल्ट आएगा। और अगर आप V3 फाइंड आउट करते हो, दैट मीन्स आप यहाँ पे आउटपुट नहीं लेते,
बल्कि आप आउटपुट इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में यहाँ से लेते हो, तो यहाँ पे आने वाले जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट होगी, वी थ्री इज इक्वल टू आर थ्री ओवर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इंटू वी इनपुट। तो इस हिसाब से बन जाएगा वी थ्री इज इक्वल टू आर थ्री की वैल्यू कितनी है, आर थ्री की वैल्यू 5 है और नीचे आएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 12, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 5 वोल्ट। तो आप 5, 4 और 3 को ऐड करोगे तो फिर से 12 वोल्ट बनेगा। तो भाई अगर ये बैटरी 12 वोल्ट दे रही है तो 3 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस 3 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट और यहाँ पे 5 वोल्ट ड्रॉप होने हैं। अगर ये बैटरी 24 वोल्ट की है तो यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे 8 वोल्ट और यहाँ पे 10 वोल्ट ड्रॉप होने हैं। और टोटल सम कितना आना है, टोटल सम जो है वो बैटरी के टोटल वोल्टेज के इक्वल आना है। अच्छा, अब एक केस ये है कि अगर मैं आउटपुट इन दोनों के क्रॉस ले रहा हूँ यहाँ पे, फिर हमारे पास V23 कैसे आना है, वो आना है R2 प्लस R3, वो वाली रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस आउटपुट चाहिए, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू वी इनपुट। और जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4 प्लस 5 ओवर 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 12। तो ये टर्म कट जाएगी और आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 9 वोल्ट। तो इस तरीके से आप किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला अप्लाई करके किसी एक सर्टेन रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपेयर होने वाले वोल्टेजेस को या ड्रॉप होने वाले वोल्टेजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन यहां तक है तो पूछ लीजिए। अच्छा बच्चों, अब इसके हिसाब से ये जो सारी डिस्कशन की है मैंने पोटेंशियल डिवाइडर की बात कर दी है, अब उसके बाद एक वैसे ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे मिलता जुलता है, बुक में तो नहीं है लेकिन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए एमसीक्यू सॉल्व करते हुए एमपी टेस्ट के अंदर काम आएगा। और वो क्या है, वो है करंट डिवाइडर। ठीक है, करंट डिवाइडर किस तरह से काम करता है, भाई लेट्स से मैं करता हूं कि एक बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज वी है और ये बैटरी इस सर्किट को करंट आई प्रोवाइड कर रही है, और ये जो करंट है ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2। तो भाई क्वेश्चन ये है कि I1 की वैल्यू कितनी होगी। तो I1 की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या तरीका कार है, I1 इज इक्वल टू V1 ओवर R1, ये तरीका कार है, ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आने वाला वोल्टेज V1 और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आने वाला वोल्टेज V2 ये आपस में क्या है, बराबर है। और ये वोल्टेजेस किसके इक्वल है, ये वोल्टेजेस यहाँ पे इस V वोल्टेजेस के भी इक्वल है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये सर्किट बन जाएगा I1 इज इक्वल टू टोटल सर्किट वोल्टेजेस ओवर R1। और उसके बाद ये जो टोटल सर्किट वोल्टेजेस हैं ये किस तरह से आते हैं, ये आते हैं V इज इक्वल टू I टोटल इंटू R टोटल। तो अगर आपने यहाँ पे वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं तो आप इस करंट को इस टोटल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये टोटल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं R इक्विवेलेंट। तो अगर ये यहां पे पुट कर दूं तो I1 कैसे आएगा, I1 आएगा I इंटू R इक्विवेलेंट ओवर R1, या फिर R इक्विवेलेंट ओवर R1 इंटू I इनपुट। जनरलाइज कर लेता हूं, जनरलाइज क्या होगा कि कोई भी आउटपुट ब्रांच करंट टोटल सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय कंपोनेंट रेजिस्टेंस इंटू आई इनपुट से फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन लास्ट में लिखी हुई है फर्स्ट कॉलम के अंदर, ये वाली इक्वेशन करंट डिवाइडर की इक्वेशन कहलाती है। अब जरा देखिए कि इसकी एग्जांपल मैं सॉल्व करवाऊं, उसकी एग्जांपल क्या है, लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां पे 10 एम्पियर करंट प्रोवाइड किया जा रहा है, रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितनी है, ये है 3 ओम और R2 की वैल्यू है 7 ओम। तो बताइए इसमें से कितना करंट गुजर रहा है, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए पहले सबसे पहले तो इनकी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कीजिए। और R इक्विवेलेंट कैसे आएगी, दोनों को ऐड करके, नहीं,
इसके लिए आपको करना पड़ेगा 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, और R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, ये बनेगा R1 प्लस R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो इसे सॉल्व करते हैं क्या बनता है, ये बनता है 3 इंटू 7 ओवर 3 प्लस 7, तो 21 ओवर 10 कितना बनेगा 2.1 ओम। तो अब आप I1 निकाल लीजिए, ये जो इक्वेशन है I नॉट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट ओवर R ब्रांच इंटू I इनपुट, तो इसको यूज कीजिए और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा I1 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट ओवर R1 इंटू I इनपुट, और इसका आंसर क्या होगा, ये बन जाएगा 2.1 ओवर 10 इंटू 10, तो क्या बनता है, ये बनता है सॉरी यहाँ पे कितनी कितने वोल्टेज है, यहाँ पे 3 वोल्टेज वोल्ट सारे, ठीक है 3 ओम की रेजिस्टेंस, R1 कितनी है वो 3 ओम की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे कट के क्या आंसर आएगा, ये आप लोग सॉल्व कीजिए, 0.7 इंटू 10 यहाँ पे आएंगे 7 एम्पियर, ठीक है यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, यहाँ पे 7 एम्पियर करंट आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप I2 फाइंड आउट करना चाहो तो I2 फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन बन जाएगी R इक्विवेलेंट ओवर R2 इनटू I इनपुट, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 2.1 ओवर 7 इनटू 10, तो ये बनेगा 0.3 और 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 3 एम्पीयर आंसर आएगा। तो आप देख लें 3 एम्पीयर और 7 एम्पीयर को ऐड करें तो दोबारा से 10 एम्पीयर बनता है। तो इस तरीके से आप किसी भी ब्रांच से फ्लो करने वाले करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हो। और बच्चों यहां से ये बात भी पता चलती है कि चूंकि हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके लिए मैं लिख सकता हूं V1 is equal to I1 R1, V2 is equal to I2 R2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है वोल्टेज सेम होगा, तो अगर आप इनको डिवाइड कर लो ये फैक्टर कट जाएगा और क्या बनेगा 1 is equal to I1 R1 और I2 R2, तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ तो क्या बनता है, ये बनता है I1 over I2 is equal to R2 over R1। तो भाई जब रेजिस्टेंस की रेशियो 3 ओवर 7 है, ठीक है भाई R2 कितना है, R2 7 है, R1 कितना है, R1 3 है, तो जब हमारे पास यहाँ पे ये रेशियो बनती है R2 ओवर R1 की, तो फिर I1 ओवर I2 की भी यही रेशियो बननी है, और वो कितनी है I1 7 और I2 3, तो I1 7 है और R1 3 है, I2 3 है और R2 क्या है 7 है। तो इस तरीके से आप यहां से भी किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा भाई नेक्स्ट टॉपिक है थर्मिस्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स क्या है, थर्मिस्टर्स हैं थर्मल रेजिस्टर्स। अच्छा जी थर्मल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, इसका मतलब है हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स, दैट मींस ऐसे रेजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर का फंक्शन होती है, टेम्परेचर के चेंज होने के साथ जिन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस चेंज होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम थर्मिस्टर्स कहते हैं। थर्मिस्टर्स की टाइप्स हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं, टाइप्स हैं एक ऐसे जिनका अल्फा पॉजिटिव होता है, दैट मींस जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है, और फिर ऐसे आते हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होती है, तो पॉजिटिव अल्फा और नेगेटिव अल्फा वाले जो थर्मिस्टर हैं ये दो टाइप्स हैं। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये बनाए कैसे जाते हैं, दैट मीन्स इनकी क्या कहते हैं बेकिंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन तो नहीं कहना चाहिए, कंपोजिशन कह देता हूँ,
इनकी कॉम्पोजिशन कैसे होती है कि सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स लेनी होती है, इसकी या तो कार्बन की या फिर किसी सिरामिक मटेरियल की, इसकी आप मैट्रिक्स लेते हो। मैट्रिक्स से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ग्लास आटे में एक चम्मच नमक ऐड करना है तो जो आटा है वो मैट्रिक्स है और उसके अंदर आपने एडजस्ट किया है इंप्योरिटी के तौर पर नमक को, वैसे ही आपने कार्बन और सिरामिक या फिर सिरामिक की मैट्रिक्स लेनी है। और अगर आपने अल्फा पॉजिटिव वाला रजिस्टर बनाना है तो ऐसे मटेरियल ऐड करने हैं जिनका अल्फा टेम्परेचर बढ़ने के साथ पॉजिटिव होता हो और रेजिस्टेंस उनकी बढ़ जाती हो। तो ऐसे मटेरियल कौन से हैं, दैट मींस इस केस में जो इंप्योरिटी मटेरियल्स आएंगे, ये इंप्योरिटी मटेरियल्स क्या होंगे, ये होंगे मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स में बुक ने जो एग्जाम्पल दिए वो क्या है, वो है ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन एटसेट्रा। तो इस तरह से और भी जितने आयरन ऑक्साइड हैं उनको आप ऐड करोगे तो अल्फा पॉजिटिव वाले रजिस्टर बनेंगे। फिर उसके बाद अगर आप अल्फा नेगेटिव वाले मटेरियल्स ऐड करना चाहते हो तो उसमें आपने इम्प्योरिटी भी वो वाली ऐड करनी है जो जिसका खुद अल्फा नेगेटिव हो। और ऐसे मटेरियल कौन से होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं सेमीकंडक्टर और एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपाउंड फॉर्म में भी बनाए जा सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इनकी शेप्स कैसी होती हैं, तो शेप्स मुख्तलिफ किस्म की बनाई जा सकती हैं। आप इनकी शेप सिलेंड्रिकल बना सकते हो। ठीक है, सिलेंड्रिकल बनाओगे तो किस तरह की होगी कि फॉर एग्जांपल इस तरह का एक रजिस्टर होगा जिसके ऊपर सारी बात है कलर कोड भी लगाया जा सकता है। तो ये एक रजिस्टर होगा और इस रजिस्टर में एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे और एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे होगा। फिर उसके अलावा बीड की सूरत में हो सकता है। ठीक है, बीड का मतलब बीज, दैट मीन इस तरह से एक सर्कुलर फॉर्म होगी और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स लगे हुए होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा वाशर्स की सूरत में हो सकता है। वाशर्स क्या होती हैं कि भाई इस तरह से यहाँ पे ये अंदर से खाली है और यहाँ पे कहीं भी कॉन्टैक्ट लगाए जा सकते हैं, तो इस तरह का रजिस्टर बनाया जा सकता है या आपकी जो मर्जी रिक्वायरमेंट है उस शेप का रजिस्टर आप डिजाइन कर सकते हो। और इनके यूजेस क्या हैं, इनके यूजेस होते हैं हीट सेंसर के तौर पर। ठीक है, हीट सेंसर के तौर पर किस तरह से यूज होती हैं, हीट सेंसर के तौर पर इस तरह से यूज होते हैं कि अगर मैं अल्फा पॉजिटिव वाले मटेरियल्स की बात करूं तो वो क्या है, वो है हाई टेम्परेचर सेंसर। वो क्या है, हाई टेम्परेचर सेंसर। किस तरह से काम करेंगे भाई, पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन यूज कर लेती हैं। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है और यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, इसे मैं VT का नाम देता हूँ क्योंकि ये RT के क्रॉस मिल रहा है। ये थर्मिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे और ये कोई और रेजिस्टेंस है। अब बच्चों यहाँ पे आने वाला जो टेम्परेचर है वो इस इक्वेशन, सॉरी वोल्टेज है वो इस इक्वेशन से आएगा, वी नॉट इज इक्वल टू आर ओवर आर इंटू वी इनपुट। तो भाई यहाँ पे वी नॉट की जगह पे VT लिख दो, कॉम्पोनेंट रेजिस्टेंस की जगह पे RT लिख दो, टोटल रेजिस्टेंस की जगह पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है इसकी जगह पे लिख दो RT प्लस R और साथ यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो V इनपुट। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन बन गई है। अब बच्चों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। जरी बात है यहाँ पे भी बढ़ेगी लेकिन ओवरऑल फैक्टर ऐसा होगा कि यहाँ पे ये ओवरऑल फैक्टर इंक्रीज करेगा और वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे आने वाले वोल्टेजेस बढ़ जाएंगे और इन आउटपुट वोल्टेजेस जो के इंक्रीज कर रहे हैं इनको इंटरप्रेट किस तरह से किया जाएगा, एज इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो भाई एक डिजिटल सर्किट लगा होगा यहाँ से आगे जो वोल्टेज रिसीव करेगा लेकिन वो डिस्प्ले किस तरह से देगा, डिस्प्ले देगा वो आपको टेम्परेचर की सूरत में। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ओवरऑल फैक्टर इंक्रीज करेगा, वोल्टेजेस इंक्रीज करेंगे और यहाँ से वोल्टेजेस लेके कोई डिजिटल सर्किट आगे डिस्प्ले टेम्परेचर कर रहा होगा। तो भाई हाई टेम्परेचर जिस तरह से फर्नेसेस होती हैं, ईंट की भट्टियां वगैरह और इस तरह के और जो ऑयल फर्नेस वगैरह होती हैं, तो वहां पे एक पॉजिटिव अल्फा वाला मटेरियल जो है वो हीट सेंसर के तौर पे यूज होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अल्फा नेगेटिव वाला कोई थर्मिस्टर मौजूद है, दैट मीन जिसका अल्फा नेगेटिव है, तो वो क्या है, वो लो टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, और कितना लो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होगा अप्रोचिंग टू जीरो केल्विन,
दैट मीन्स अगर आपने एक दो केल्विन को मेजर करना है, तीन चार केल्विन को मेजर करना है एब्सोल्यूट जीरो के करीब करीब, तो फिर वहां पे ये वाले मटेरियल्स काम नहीं आते। उसकी वजह क्या है कि कोई भी इस तरह का मटेरियल होता है ना, अगर आप उसका ग्राफ बनाओ, अगर आप उसका ग्राफ बनाओ टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस, तो भाई यहां पे लिखा हुआ है जीरो केल्विन और यहां पे लिखा हुआ है जीरो ओम, तो भाई जैसे जैसे आप किसी पॉजिटिव अल्फा वाले मटेरियल की का टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस बढ़ती है, और टेम्परेचर कम करते हो तो रेजिस्टेंस कम होती है। लेकिन आम मेटल्स के अंदर ये वाली रेजिस्टेंस जीरो केल्विन को पहुंचने से पहले ही एक खास टेम्परेचर के ऊपर जीरो हो जाती है। अगर मैं कहता हूं कि ये जो टेम्परेचर है ये चार केल्विन है, तो फिर ये वाला मटेरियल ना ही एक केल्विन मेजर कर सकता है, ना ही दो केल्विन, ना ही तीन केल्विन और ना ही चार केल्विन मेजर कर सकता है। ये सुपर कंडक्टर बन गया हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस जो है कुछ सर्टेन टेम्परेचर से नीचे बिल्कुल ही जीरो हो चुकी है। तो अब ना इसकी रेजिस्टेंस चेंज होनी है, ना वोल्टेज चेंज होनी है, और ना ही आप टेम्परेचर चेंज मेजर कर सकते हो। तो इस तरह की जगहों के ऊपर आप क्या करोगे, आप नेगेटिव अल्फा वाला मटेरियल यूज करोगे। आपको ये बात पता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर क्या जीरो केल्विन के ऊपर तमाम बॉन्ड जुड़े होते हैं, कोई चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होता और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इंफिनिटी के करीब होती है। लेकिन टेम्परेचर एक केल्विन होता है तो कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं, चार्ज कैरियर बन जाते हैं और रेजिस्टेंस कम हो जाती है। फिर और टेम्परेचर बढ़ता है और चार्ज कैरियर बनते हैं और रेजिस्टेंस कम से कम होती चली जाती है। दैट मीन्स इस केस में यहाँ पे अगर आप वी टी इज इक्वल टू आर टी ओवर आर टी प्लस आर इंटू वी इनपुट को देखोगे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बॉन्ड्स टूटेंगे, चार्ज कैरियर बनेंगे, रेजिस्टेंस कम होगी, यहाँ पे भी कमी आएगी, लेकिन ओवरऑल फैक्टर यहाँ पे डिक्रीमेंट का होगा और आउटपुट वोल्टेजेस कम होंगे। और यहाँ पे लगा हुआ डिजिटल सर्किट इसको इंटरप्रेट कैसे करेगा, वो यहाँ पे डिक्रीजिंग वोल्टेज को इंटरप्रेट करेगा एज इंक्रीजिंग टेम्परेचर या वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में वोल्टेज इंक्रीमेंट को टेम्परेचर इंक्रीमेंट के तौर पे इंटरप्रेट किया जा रहा था डिजिटल डिवाइस से, और इस केस में टेम्परेचर वोल्टेज में कमी आने को टेम्परेचर इंक्रीमेंट के तौर पे इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो थर्मिस्टर्स हैं ये अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।